अस्सलाम वालेकुम माय ड्यू फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। तो जी, दिन का स्टार्ट हो जाता है जी नाश्ते से। उससे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है और बेल आइकन के बटन को भी दबाएँ ताकि आप लोगों को आने वाले व्लॉग्स जो हैं वो मिलते रहें। एनी हाउ, आप लोग बताएं आप लोगों के दिन कैसे गुजर रहे हैं, कैसे नहीं। घर के कामों में इंसान इतना बिजी होता है, कोई मतलब कोई अपने लिए टाइम ही निकाल सकता हो। लास्ट व्लॉग में मैंने ये कहा था लड़कियों अपने लिए टाइम निकालो, जो कि मैं खुद भी नहीं निकाल पाती, लेकिन फिर भी अब से मैंने सोचा कि मैंने ना अब दिन बना लेने। मैं आगे भी यही करती हूँ कि इस दिन ये काम कर लेंगे, इस दिन ये काम कर लेंगे। यकीन करें, काम भी मेनटेन रहते हैं और इंसान की हेल्थ पर भी असर नहीं पड़ता। कुछ लड़कियाँ मैंने ऐसी देखी हैं हर टाइम बस लगी रहेंगी लगी रहेंगी लगी रहेंगी। एक्चुअली वो जो होती है ना, वो OCD की शिकार होती हैं। OCD एक डिजीज़ है, आप लोगों को पता ही होगा। तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, OCD है, मुझे कन्फर्म नहीं है उसको क्या कहते हैं, लेकिन है ये कुछ ऐसा ही, उनको एक डिसऑर्डर होता है। तो वो चीज़ नहीं करनी है आप लोगों ने, साइकोलॉजिकली आप लोग बीमार हो जाएंगे अगर आप लोग इस तरह करेंगे, और मेंटली भी और साथ फिजिकली तो आपने होना ही होना है। तो इतना काम ना करें कि आपकी बॉडी डिप्रेस हो जाए और आपकी बॉडी का यार खुदा का वास्ता हमें वैसे ही ख़त्म कर दो। तो थोड़ा थोड़ा काम किया करें, अपनी हेल्थ के अकॉर्डिंग काम किया करें। आप एक दिन बना लें, फलाने दिन मैंने किचन के सारे काम करने हैं, मतलब उसकी डीप क्लीनिंग करनी है, वो भी पार्टीशन करके थोड़े टाइम में ये कर लो, थोड़े टाइम में ये कर लो, ताकि आपकी बॉडी पर इतना जुल्म ना हो कि आप लोग फिर हफ्ता चारपाई पे पड़े रहो। उसके बाद जी आप लोग अपना कोई और दिन बना लें सफाइयों के लिए, रूम की अगर आपने डीप क्लीनिंग करनी है तो वो आप वीकेंड पे कर लें, या इस तरह करके। मैं हमेशा इस तरह करती हूँ कि क्योंकि अब्दुल्ला भी है मेरे साथ, तो ऑब्वियसली उन्होंने होना ही है, तो वो जो है वो डीप क्लीनिंग कर देते हैं रूम की। अब बहुत से लोग ये भी कहेंगे अच्छा आप अपने हस्बैंड से काम करवाती है, खुद नहीं करती। तो भाई मेरा हस्बैंड है ना, उसका भी कमरा है, मेरा तो है ही है लेकिन उसका भी है, तो अगर वो कर देते हैं तो कोई गलत बात नहीं है, ना मुंह में उंगलियां डालने वाली बात है। जब इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां खुद अपने काम कर सकती हैं ना, तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अपनी वाइफ का इतना ख्याल रखता है और वो अपने घर के मतलब, और वैसे घर के काम ये नहीं कि वो खाना बना के देते हैं, हमें बर्तन धो के देते हैं, ये अपने रूम की सफाई कर लेनी या ऐसे कोई भारी भारी जो काम होते हैं जो लड़कियां नहीं कर सकती वो कर देते हैं। तो इसमें इतनी बुरी बात नहीं होती, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसको मतलब मैं तो कहती हूँ इसको बताना चाहिए लोगों को कि यार ये अगर कर भी लिया ना तो कोई गलत चीज़ नहीं है। एनी हाउ, जिनको मैं समझाना चाह रही हूँ या जिनको जो बाशऊर लोग होते हैं जिनमें शऊर होता है, अकल होता है, उस चीज़ को समझते हैं, वो ये नहीं कहते कि यार अच्छा अब हमारे जी बेटे काम करें। मेरा भी ससुराल है ये, मैं कौन सा मतलब मैं भी बहू हूँ इस घर की, तो मैं ये तो नहीं ना कह सकती कि भाई अब अब्दुल्ला तो मैं इस घर की बहू हूँ तो मैंने ही सारे काम करने हैं, तुम कुछ नहीं करोगे ना। अब्दुल्ला ऐसे हैं ना घर वाले ऐसे हैं, तो सपोर्टिव होना चाहिए ताकि टाइम अच्छा गुजर जाए, लाइफ अच्छी गुजरे। क्योंकि इंसान अगर अच्छा होगा ना तो ही दूसरा आपको अच्छे अल्फाजों में याद करेगा। तो कोशिश यही करें कि एक दूसरे को सुकून दें, सुकून बर्बाद ना करें, ठीक है, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ क्या नहीं। और मेरी तरह नूडल्स मत खाया करें, मैं नूडल्स बहुत ज़्यादा खाती हूँ, अच्छी चीज़ नहीं है सेहत के लिए। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। और आज हमने भिंडियाँ बनाई थी, मुझे अभी क्लिप देख के याद आया, मैं खाया पिया भी भूल गई कि मैंने क्या खाया था, क्या नूडल्स मैंने इतने ज़्यादा खा लिए थे कि मुझे फिर मुझसे फिर रोटी नहीं खाएगी। तो आजकल मौसम ही ऐसा हुआ है, कुछ खाया पिया जा ही नहीं रहा। एनी हाउ, मिलेंगे नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, मेरे ब्लॉग्स को लाइक किया करें, शेयर किया करें अगर आप लाइक करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।